बोलगी। कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी किसानों की समस्या को सुनने के लिए विदर्भ में किसान यात्रा कर रहे हैं। यात्रा पर जाने से पहले उन्होंने संसद में भी किसानों की समस्या को उठाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष भी किए। तो हरियाणा के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने आत्महत्या करने वाले किसान को कायर तक बता दिया। बीजेपी की तरफ से राहुल को जवाब भी दिया गया। वंदे मातरम में हम चर्चा करेंगे राहुल के कटाक्ष की, किसानों के लिए शुरू किए गए उनकी यात्रा की और आत्महत्या करने वाले किसानों को कायर बताने वाले नेताओं के बयान की। सबसे अहम ये कि क्या बयान, यात्रा और एक दूसरे पर कटाक्ष करते रहने से किसानों की समस्या हल हो जाएगी? आखिर क्या है किसानों की समस्या का हल? अपने मेहमानों से इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ कौन कौन मौजूद होगा इस कार्यक्रम वंदे मातरम में आपको बताते हैं। डॉक्टर कृष्णवीर चौधरी जो कि किसान नेता हैं वो हमारे साथ मौजूद होंगे, साथ ही मुकेश राजपूत दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि बीजेपी के सांसद हैं, हमारे साथ लखनऊ से अरुण प्रकाश सिंह मौजूद होंगे और साथ ही विजय कुमार सिंह जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। तो किसानों के इस दर्द पर क्या राजनीति हो रही है, क्या एक दूसरे पर कटाक्ष करने से किसानों की समस्याएं हल हो जाएंगी, इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा करने से पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। क्या पदयात्राओं से रुकेगी किसानों की आत्महत्या? अन्नदाताओं की मौत और दुर्दशा पर सियासत क्यों? किसानों को राहत के नाम पर राजनीति क्यों? भारत में किसान छोड़ रहे खेती, आखिर कब तक मरेंगे देश के किसान? बिना किसान कैसे मिलेगा भोजन? कैसे होगा मेक इन इंडिया का सपना साकार? कल मैं पंजाब गया था और वहां पंजाब की मंडियों में मैं किसानों से और मजदूरों से मिला था। उनके दुख को मैं यहां आपके सामने रखना चाहता हूं। सरकार कहती है कि मेक इन इंडिया होना चाहिए। सुनो, हाँ वो तो है, प्लीज वो तो है, प्लीज प्लीज प्लीज, ये सरकार, हमारी सरकार है, हमारी सरकार है, आपकी सरकार है, मगर किसान और मजदूर की सरकार नहीं है। प्लीज प्लीज, अंडमान निकोबार बैठिए। आपके प्रधानमंत्री का, प्रधानमंत्री जी का, हम सबके प्रधानमंत्री जी का हिंदुस्तान में टूर लगा है। कुछ दिनों के लिए वो यहां आए हैं, पंजाब भी चले जाएं थोड़ी देर के लिए, किसानों से मिल लें, मंडी में बात कर लें, सीधा समझ में आ जाएगा हो क्या रहा है। क्या किसान मेक इन इंडिया नहीं करता है क्या? विदेश में योग करने के बाद राहुल गांधी सियासी योगासन कर रहे हैं। युवराज को देश के बदहाल अन्नदाताओं की फिक्र सता रही है। पंजाब के किसानों का दुख दिलो दिमाग में उतारने के बाद राहुल ने महाराष्ट्र का रुख किया है, लेकिन पंजाब के खेतों और मंडियों को देखने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे और मेक इन इंडिया पर जमकर चुटके। कहा कि हिंदुस्तान को अनाज और भोजन देने वाला फटेहाल हालत में है, लेकिन पीएम मोदी अपने देश के किसानों की दुर्दशा को नजदीक से देखने और समझने की बजाय उससे अनजान है। राहुल ने तंज कसते हुए कहा कि क्या देश को खड़ा करने वाला किसान और गरीब मेक इन इंडिया नहीं करता? प्रधानमंत्री जी मेक इन इंडिया की बात करते हैं, पंजाब का जो किसान है शायद उससे ज्यादा मेक इन इंडिया कोई करता नहीं। इसने देश को खड़ा किया है जी। क्या जो गरीब मेक इन इंडिया करता है वो मेक इन इंडिया नहीं होता है, वो मेक इन कुछ और होता है जी। तो सेंट्रल की जो सरकार है, पंजाब की जो सरकार है, उन्हें किसान की मदद करनी चाहिए।
मोदी पर राहुल के इस वार को बीजेपी कांग्रेस की बेचैनी करार दे रही है। मोदी सरकार में मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल के पंजाब दौरे पर चुटकी ली, कहा कि राहुल देश में घूमकर किसानों का हमदर्द साबित करने के बहाने अपनी सियासी जमीन तलाश रहे हैं। कांग्रेस के जो युवराज है वो इस समय देश विदेश में पॉलिटिकल पर्यटन कर रहे हैं और उस पॉलिटिकल पर्यटन के माध्यम से वो दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बहुत संघर्ष कर रहे हैं। अच्छा है, कम से कम जो है वो सत्ता की सियासत करते करते सड़क के संघर्ष की तरफ तो ये लोग पहुंचे। राहुल जब से विदेश दौरे से लौटे हैं देश के पीड़ित किसानों के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेर रहे हैं। राहुल के इस दौरे से जेडीयू को भी खतरा दिख रहा है। जेडीयू इसे राहुल की भारत खोज बताकर कांग्रेस पर हमले कर रही है। मैं हरियाणा के मंत्री श्री ओपी धनखड़ के इस वक्तव्य की निंदा करता हूं। ये किसान विरोधी है और भारतीय जनता पार्टी के माइंड सेट को उजागर करता है। राहुल गांधी ने सर बयान, श्री राहुल गांधी भारत की खोज में निकले हैं और उनके वक्तव्य नित नई संवेदनाओं के साथ आ रहे। राजनेता अपना सियासी आईना चमकाने में जुटे हैं, दूसरी ओर बेबसी के कोल्हू में बंद कर किसान मर रहे हैं। सवाल ये कि क्या केंद्र की मोदी सरकार, राज्यों की सरकारें और विपक्ष किसानों की आवाज को सुनेंगे, उनके आंसुओं को पोछेंगे, जिससे कि अन्नदाता को उसी खेत में न मरना पड़े जिसे उसने सींचा था। कुमार मैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, ये थी हमारी रिपोर्ट जिसमें नेताओं के बोल और किसानों की समस्या दोनों चीज साथ में दिखाई गई थी। चर्चा की शुरुआत करेंगे हमारे साथ नारे स्टूडियो में डॉक्टर कृष्णवीर चौधरी, किसान नेता, काफी काम किया है इन्होंने, किसानों के लिए काम किया है, जो सरकार की पॉलिसी है उसमें भी काफी योगदान रहा है इनको, जो पॉलिसी सरकार बनाती है उसमें भी योगदान दिया। कृष्णवीर जी स्वागत है आपका, चर्चा की शुरुआत हम आपसे कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल, आपने भी ये रिपोर्ट देखी है, जिस तरीके से कि समस्या है किसानों की, जितनी गंभीर समस्या है और जिस तरीके से नेता इसे केवल एक राजनीति के रूप में ले रहे हैं, जिस तरीके के बयान आ रहे हैं चाहे वो पार्लियामेंट के भीतर हो या पार्लियामेंट के बाहर हो, बयान केवल राजनीतिक बयान आ रहे हैं, किसी भी नेता की तरफ से कोई प्लानिंग नहीं हो रही है, किसी भी नेता की तरफ से कोई गंभीर पहल नहीं की जा रही है, क्या कहेंगे आप? मुकेश जी, शुद्ध रूप से मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं देश के सामने, किसानों के लिए ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति है और किसानों के नाम पर एक ड्रामा, एक नाटकबाजी शुरू की जाती है। बार 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 राहुल गांधी उसी नाटक और नौटंकी को शुरू कर चुके हैं। मेरा कोई सवाल है उस कांग्रेस के नेतृत्व से जिन्होंने 10 साल तक इस देश में शासन किया, किसानों को आज इस दुर्गति में, इस दुर्दशा में पहुंचाने के लिए जो पूरी तरह अपराधी हैं, जिम्मेदार नहीं कहूंगा अपराधी हैं, क्योंकि एक दिन में नहीं कोई चीज खराब हुई मुकेश जी, हर साल आर्थिक नीतियां जो अपनाई थी 10.5 से 11% का आर्थिक नुकसान किसानों ने झेला है। उदारीकरण के नाम पर जो कुछ किया, आज ये गेहूं के किसानों के लिए गए हैं, पंजाब की बात करें, मैं पूछता हूं 2006 में जब देश के किसानों ने भरपेट गेहूं पैदा किया, आप तो आयात करवा रहे थे, इस देश को आयात पर निर्भर बनाने की साजिश। दूसरा सवाल है रॉ शुगर का आयात जो इन्होंने देश में कराया पिछले कई सालों में, उसकी दुर्गति तो देखिए कि चीनी का बाजार उससे भर गया, आज 21,000 करोड़ रुपए का गन्ना किसानों का बकाया हो गया है, इन अपराधों के लिए कौन माफ करेगा? बिल्कुल कृष्णवीर जी, आपने जो सवाल उठाए उसका जवाब भी मिलेंगे। कांग्रेस से हमारे साथ, कांग्रेस के नेता हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं अरुण प्रकाश सिंह जी। अरुण प्रकाश सिंह जी, जिस तरीके से डॉक्टर कृष्णवीर चौधरी सवाल उठा रहे हैं कि किसानों की आज जो समस्या है उसकी मूल में जो है कांग्रेस है, कांग्रेस जिम्मेदार है कहीं ना कहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा लंबे समय तक देश में शासन आपने किया है और जो समस्या लगातार दिनों दिन बढ़ रही है उसके लिए जिम्मेदार आप हैं। आज आपके नेता यात्रा कर रहे हैं, यात्रा करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब आपके पास समय था तो उस समय आपने कुछ नहीं किया। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक आपत्ति करूंगा आदरणीय कृष्णवीर चौधरी जी की इस बात पे कि राजनीति में जिस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, नाटक, नौटंकी और अपराधी, वो एक पार्टी को और एक पार्टी के नेता को कह रहे हैं, ये उनके जैसे ही शीर्ष नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी जो सियासत में तिजारत करती रहती है और तिजारती लोगों के तिजोरियों से जो पैदा हुई है उस पार्टी के, उस पार्टी में रहने वाले लोग ही इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर सकते हैं।
अब राहुल गांधी जी के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर उठा रहे हैं कि किसानों के चिंतन की बात। अब मैं उन्हें कहां से याद दिलाऊं कि इस देश में दुग्ध क्रांति की याद दिलाऊं चौधरी साहब को, इस देश में हरित क्रांति की याद दिलाऊं चौधरी साहब को, इस देश में जब चलता है आत्मनिर्भर बनाने के लिए लाल बहादुर शास्त्री के उस स्लोगन को याद दिलाऊं चौधरी साहब को, कि आज ये याद दिलाऊं। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं अरुण प्रकाश जी, आप सही कह रहे हैं ये, लेकिन इसके साथ में जो समस्या थी वो समस्या तो हल नहीं हुई। किसानों की आत्महत्या नहीं रुकी, किसानों की जो समस्या थी वो खत्म नहीं हुई। साथ में ये भी तो है, आपने हरित क्रांति तो लाया लेकिन हरित क्रांति का जो लाभ छोटे किसानों को मिलना चाहिए वो तो मिला नहीं। जिन किसानों को मिलना चाहिए, कुछ जो किसान बड़े हो गए लेकिन जो किसान मूल रूप से जमीन पे काम करता वो तो छोटे ही रहे, उनको तो उसका लाभ नहीं मिला। उसका लाभ मिला मनरेगा में, हमने कहते वहीं पे उन लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की। इसीलिए भारत की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी योजना मनरेगा को आप इससे जोड़ नहीं सकते हैं। आप अरुण प्रकाश जी हमारे साथ बने रहिए, हम चलते हैं दिल्ली में। हमारे साथ फारुखाबाद के सांसद मुकेश राजपूत जी जुड़े हुए, वो पूरी बहस को सुन रहे हैं। मुकेश राजपूत जी स्वागत है आपका वंदे मातरम में। जिस तरीके से कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि उन्होंने देश में किसानों के लिए काफी कुछ किया है, हरित क्रांति उन्होंने लाई, जय जवान जय किसान का नारा उनके प्रधानमंत्री ने दिया है और किसानों के लिए काफी कुछ किया है, फिर भी बदहाल है किसान, क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस ने देश में जरूर जो पैदावार में जरूर प्रोडक्शन बढ़ाया है और हमारे देश के किसानों ने और हमारे वैज्ञानिकों ने प्रोडक्शन तो बढ़ाया है, लेकिन उसके एवज में हम दूसरी तरफ देखें, जो किसान ने पैदावार तो अपनी बढ़ाई है, इस देश में अन्न के इतने ज्यादा भंडार हो गए, सब्जियों के इतने ज्यादा भंडार हो गए, फलों का इतना भंडार हो गया कि जिसका कोई जो किसान को ने वाजिब मूल उनकी उपज का वाजिब मूल नहीं मिला। कांग्रेस यदि किसानों का सही माने में सिंपैथी थी, किसानों की हमदर्द थी, तो इन्हें इनकी उपज का, किसानों को उनकी उपज का वाजिब मूल मिल गया होता तो आज किसान खुदकुशी नहीं कर रहा होता। सही माने में किसान सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने, पिछली सरकार ने प्रोडक्शन तो बढ़ाया, लागत भी बढ़ी हुई है, लेकिन जो जिस तरह से उसे मूल्य मिलना चाहिए, आज से आप 50 साल पहले 60 साल पहले का किसान देख लें, देश में जरूर इतना खाद्यान्न नहीं होता था, हमें विदेश से खाद्यान्न मंगाना पड़ता था, लेकिन हमारे देश का किसान आत्मनिर्भर है, बिल्कुल, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत थी, बिल्कुल। लेकिन आज किसान ने खाद्यान्न से गोदामें भर दी हैं, सब्जियों से भी हमारे स्टोर भरे पड़े हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसान फटे हाल है। इसके लिए कांग्रेस पूर्ण रूप से दोषी है। किसान ने तो उत्पादन किया अपनी, उसे वाजिब मूल्य नहीं मिलेगा तो किसान क्या करेगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं मुकेश राजपूत जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कांग्रेस से हम जवाब जानना चाहेंगे और उसके बाद हम डॉक्टर कृष्णवीर चौधरी से भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। पहले आपसे पूछेंगे अरुण प्रकाश जी, आप बताएं क्यों ऐसा है? देश का किसान जो है आज भी गरीब है, हमारे अनाज के भंडार जो है भरे हुए हैं, देश की 70% आबादी जो है वो कृषि पे डिपेंड करती है, पूरे देश को खिलाने वाला किसान आज भूखा है और आत्महत्या करने पे मजबूर है। प्रोडक्शन तो सही में बढ़ा है लेकिन किसानों को उसका लाभ नहीं मिल पाया है। देखिए, मुकेश राजपूत जी ने कम से कम ये बात स्वीकारी कि देश को आत्मनिर्भर बनाने में, देश में अनाज के भंडारण करने में कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। किसान तो आत्महत्या कर रहा, तो कांग्रेस पार्टी ने और जितनी बुरी दुर्दशा, न धानों का, अभी धान जिस तरीके से हुए 9 महीने से सत्ता में है, और जितनी बकाया है मिलों पे, जिस तरीके से उन्हें दिलवाना चाहिए था गन्ना के किसानों को पैसा, धान के खरीद केंद्रों को चलवाना चाहिए था, एफसीआई के गोडाउन में चलता है जो गेहूं आए हैं उनके उचित मूल्य देना चाहिए था, इन सारी चीजों के जिम्मेदार आज के वक्त में भारतीय जनता पार्टी है। कब तक वो रोना रोएंगे कि कांग्रेस ने ये किया और कांग्रेस ने वो किया? कांग्रेस ने अगर गलत किया था तो जनता ने उसको सजा दिया,
अब कांग्रेस का ये सीता दिखा के कब तक इस तरीके से देश के किसानों को नौजवानों को गुमराह करने का काम करेंगे राजपूत जी? जी जी अरुण प्रकाश जी, इसी बीच में आपसे एक सवाल जानना चाहती हूँ। सन 2010 में जब सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश आया कि जितना भी अनाज भंडारण किया जाता है, जो सड़ जाता है, बाहर बारिश में भीग जाता है, सड़ जाता है, उसे गरीबों में वितरित कर दिया जाए, बावजूद इसके ये नहीं किया गया और लाखों टन जो अनाज है वो खुले में पड़ा हुआ सड़ जाता है, इस पर सरकार ने कुछ नहीं किया, कोई भी सुध नहीं ली गई, तो ये कैसे मान लिया जाए कि किसानों की हितैषी जो बन रही है कांग्रेस सरकार? आज पदयात्राएं की जा रही हैं, जगह जगह जाकर समाधि यात्रा का शुभारंभ किया जा रहा है, लेकिन जो नतीजा है वो सिफर के बराबर है। अंजलि जी, आपको याद होगा कि कांग्रेस ही एक एकमात्र पार्टी है जिस जो खाद्य सुरक्षा अधिकार बिल अधिनियम पार्लियामेंट में लाई, पार्लियामेंट में पास कराया और एक मौका दिया प्रदेश के राज्यों को कि वो अपने यहां जल्दी से जल्दी इस बिल को लागू करें और उस खाद्य सुरक्षा अधिनियम बिल के तहत देश के 70% शहरी गरीब से लेकर के और ग्रामीण जनमानस तक को हमने उसमें कवर किया है जी। और दुर्भाग्य है अरुण प्रकाश जी, अरुण प्रकाश जी, खाद्य सुरक्षा बिल की सच्चाई भी सबको पता है, उसमें खाद्य का वितरण किस तरीके से हुआ और जो सही में जो जिनको इसका लाभ मिलना चाहिए था उनको लाभ वहां भी नहीं मिल पाया, लेकिन हम उस पर आज बहस नहीं करेंगे, आज हम दूसरी बात पे बहस करें। डॉक्टर कृष्णवीर चौधरी जी, आपसे हम जानना चाहेंगे जिस तरीके से राजपूत जी बता रहे थे, मुकेश राजपूत जी सांसद फारुखाबाद जो बता रहे थे बीजेपी के हैं, उनका कहना था कि कांग्रेस ने सही में ग्रीन रेवोल्यूशन के जरिए जो है देश को आत्मनिर्भर जो है उसके उनके रिज्यूम में हुआ, लेकिन बावजूद उसके किसानों को जो लाभ मिलना चाहिए था वो किसान उतना लाभान्वित नहीं हुआ, किसानों को जो फायदा मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं पॉलिसी में गड़बड़ी है या जो किसानों को जो सुविधा देने की नीति सरकार ने बनाई थी वो चीजें सही से इंप्लीमेंट नहीं हो पाई? मुकेश जी, दो बातें हैं इसमें। जब देश आजाद हुआ था तो 35 करोड़ की आबादी के लिए PL 480 में भीख मांग के लाना पड़ता था आयात का नंबर, आज 125 करोड़ की जनता का पेट भर दिया तो किसानों की मेहनत खून पसीने की परिणाम है। कोल्ड स्टोरेज अगर कम है तो इसके लिए सरकार की नीतियां दोषी हैं, अगर फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स नहीं लगी तो देखिए वो सरकारों की जिम्मेदारी होती है, अगर वो स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, खुले में लाखों टन गेहूं सड़ता है तो उसके लिए सरकार की पॉलिसियों की जिम्मेदारी होती है, किसान ने तो पैदा करके दे दिया। एक और बड़ा सवाल है अरुण प्रकाश जी, आपको भी जानकारी होगी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का 50% गल्ला काला बाजारी में जा रहा था, ये भी रिपोर्ट सरकार के आपके टाइम में ही आई थी, पूरे देश के सामने है, तो ये चीजें भी सुधारी नहीं गई। किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिलने के लिए 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना करवाई थी, लेकिन पहले दूसरी बात, चूंकि 2007 में राष्ट्रीय किसान आप सुन लीजिए, काम की बात करनी है या राजनीतिक बात मत करिए, वो आप अलग करिएगा। 2007 में राष्ट्रीय किसान आयोग की रिपोर्ट आई जो धूल चाटती रही आज तक, तो उसको किसने रोका था लागू करने के लिए? किसान को उसकी फसल का लाभकारी मूल्य नहीं मिलता। जी बिल्कुल, विजय कुमार सिंह जी कुछ कहना चाह रहे समाजवादी पार्टी के नेता जी, बोलिए क्या कहेंगे आप? पैंसठ साल कांग्रेस ने राज किया, उसके बाद केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, ये दोनों सरकार चली, कोई भी किसानों के बारे में जब ये सरकार बनी तब कोई भी किसान के बारे में नहीं सोचा। हम आपको बताना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में जब माननीय मुलायम सिंह उभर कर केंद्र में बैठने का काम किया और सैफई की गलियों से निकले, चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में वो राजनीति करने का काम किए और आगे बढ़े, निश्चित तौर पर किसानों का दर्द पार्लियामेंट में उठाने का काम किया। आज आप देख रहे हैं जो भी हमारे देश में हमारे प्रदेश में ओले पड़े, पत्थर गिरे, किसानों के दर्द को सुनने के लिए जब भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्तर प्रदेश के सरजमी पर आए तब इनको नहीं दिखाई दिया कि ओला गिरा। विजय कुमार सिंह जी, ये भी तो है, जब ओले गिरे फसल बर्बाद हुए तो आपकी सरकार ने 26 रुपये और 76 रुपये के मुआवजे बांटे, ये भी तो कहिए आप। मैं मुकेश जी बताना चाहता हूँ आपको, 26 रुपए और 27 रुपए की बात कर रहे हैं, फैजाबाद में एक फ्रूट
टूटी हुई। नहीं नहीं, आप एक दूसरे पे आरोप नहीं लगाइए, यही तो विडंबना है। आप लोग एक दूसरे पे आरोप लगा करके जो मूल समस्या है उससे भागने की कोशिश करते हैं। अभी अभी आप बोल रहे हैं जो किसानों की समस्या है, ओले से फसल बर्बाद हो रहे हैं, बेमौसम बरसात से किसान परेशान है, किसान बर्बाद हो रहा है, और आप जब मुआवजा देने की बात आती है तो आप उसे खेत खलिहान के नक्शे मांगते हैं। आप उससे बोलते हैं जी आप तुम मालिक हो इस खेत का, उसके कागज दिखाओ। वो कचहरी के चक्कर काटता रहेगा या आप वो पेट भरेगा अपना? जब मुआवजा देने की बात आती है तब एक रुपया, 26 रुपया, 186 रुपया, क्या है ये? किस तरीके का मुआवजा है? किसानों के दर्द की बात कर रहे हैं मुकेश जी, हम ये नहीं कह रहे। आप नहीं कह रहे, तो मेरा सवाल है ये आपसे, आप कहिए, आप जवाब दीजिए इसका। ये हमारा सवाल है आपसे कि जब किसानों के हित की बात आती है आप राजनीति करने के लिए तो तुरंत बीजेपी और कांग्रेस को कोसने लगते हैं, लेकिन जब आपके प्रदेश में आपकी सरकार में आप ही ने कहा कि ओले पड़े और किसानों के फसल बर्बाद हो गई वहां पे, तो मुआवजा उनको जब देने की बारी आई तो आपकी सरकार ने जो चेक बांटे थे 27 रुपये के, 76 रुपये के, 126 रुपये के, क्या इतना ही नुकसान हुआ था? इस चीज को बताना चाहता हूँ, ये फैजाबाद में टूटी हुई थी, हमने उस पर तुरंत पाल किया। बात फैजाबाद या गाजियाबाद की नहीं है, बात किसानों की है, चाहे वो देश के किसी भी हिस्से में हो। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1083 करोड़ का पैकेज तैयार करके, चाहे कुछ भी कहते हो, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो कुछ और ही थी। कि जिस तरीके से मुकेश जी कह रहे हैं कि लगातार इस तरह के चेक बांटे गए, कहीं 27 रुपए का, कहीं 75 रुपए का, इस जाहिर तौर पर ये किसान की जो भावनाएं हैं कहीं ना कहीं उसके साथ खिलवाड़ दिखा रही है सरकार। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप को लगाकर किसान बेचारा पिस रहा है उसके बीच। विश्वास कर लीजिए, जो चीजें टूटी हुई थी उस पर हमने कार्रवाई करने का काम किया। और निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज प्रदेश में जब कोई सरकार है तो दुख दर्द किसानों का समझने के लिए खाली समाजवादी पार्टी की सरकार है। आज लोग धरना देते हैं, सारी सरकारें सिर्फ अपनी पीठ थपथपाती हैं, लेकिन जो जमीनी स्तर पर सच्चाई है वो कुछ और ही बयां करती है। किसान रो रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन कोई भी सरकार उनके बारे में सोचने को तैयार नहीं है। बेशक मुआवजे का ऐलान किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी खिलवाड़ किया जाता है किसानों के साथ। किसानों के बीच में गए पश्चिम में जितने भी जिले थे उन जिलों में हमने राहत देने का, ठीक है, विजय कुमार सिंह जी, डॉक्टर कृष्णवीर चौधरी जी हमारे साथ हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। विजय कुमार सिंह जी, ठीक है, सुन लिया आपको, आप राजनीति कर रहे हैं, हम डॉक्टर कृष्णवीर चौधरी से जानने की कोशिश करेंगे। कृष्णवीर जी देखिए, दो चीजें हैं, एक बार, एक तो जब एमएसपी तय होती है तो वो सिस्टम फॉल्टी है या नहीं फॉल्टी, ये भी जानना चाहेंगे आपसे। दूसरी बात, जो फसल जब बर्बाद होते हैं, जब ओलावृष्टि होती है, जब उस समय बरसात के कारण जो है फसल बर्बाद हो जाता है और किसान तबाह हो जाता है और फिर वो सरकार के सामने हाथ फैलाता है मदद के लिए, और उस समय जो मदद दी जाती है वो सबके सामने कि किस तरीके की मदद दी जाती है। किसानों की जो आत्महत्या हो रही है उसके मूल में एक चीज जो आई है रिसर्च में या जो हम लोग भी देख रहे हैं, ये वैसे किसान होते हैं जिनका फसल जो है इस ओलावृष्टि या असमय जो बारिश होती है उससे बर्बाद होने वाले किसान जो हैं वही आत्महत्या करते हैं, क्योंकि वो कर्ज लेकर के फसल अपनी जमीन पर लगाते हैं और उसके बाद जब बर्बाद हो जाता है, सरकार की तरफ से मदद नहीं उनको मिल पाती है, तो उनके पास आत्महत्या के अलावा कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आता है। तो क्या आपको लगता है जो एमएसपी का जो सिस्टम है हमारे पास, जो सपोर्ट प्राइस सरकार देती है किसान को, वो केवल बड़े किसानों के लिए है या उसका फायदा या नुकसान जो भी है वो केवल बड़े किसानों को होता है, इसलिए उसमें कम या ज्यादा कुछ भी करो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है? मूल रूप से किसान जो आत्महत्या कर रहा है उसके पीछे वजह उनकी फसल जो बर्बाद होती है और उसको मुआवजा नहीं मिल पाता, ये एक मूल वजह है। मुकेश जी, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि किसान कर्ज में पैदा होता है और कर्ज लेता है, कर्ज से फसल बोता है और कर्ज में ही मर जाता है। बिल्कुल। अब सवाल यह है कि जहां सिंचाई के संसाधन नहीं थे विदर्भ से, वहीं से आत्महत्या शुरू हुई। मुझे दुख इस बात का है कि जहां से यात्रा शुरू कर रहे हैं वहां सबसे ज्यादा आत्महत्याएं हुई, इतने बड़े पैमाने पर आत्महत्याएं हुई। मैं ये पूछता हूं, 71,000 करोड़ रुपए सिंचाई के नाम पर, किसानों के नाम पर महाराष्ट्र को दिए गए थे, महाराष्ट्र सरकार ने भी स्वीकार किया कि 1 हेक्टेयर सिंचाई के संसाधन नहीं बढ़े, जब पानी का सुधार ही नहीं है सिंचाई के संसाधन। आज भी मात्र 35% जमीन सिंचित है, 65% भगवान भरोसे है, कभी सूखे से मरता है, कभी बाढ़ से मरता है, अब बरसात और ओले से मर गया। व्यवस्थाएं इतनी खराब हैं कि लेखपाल जाता है वो तय करता है,
लेखपाल के साथ कभी तहसीलदार गया नहीं गया, उसके पास टाइम नहीं है जाने के लिए। एसडीएम कहीं गया नहीं गया वो बात नहीं है, एडीएम फाइनेंस और डीएम कहीं जाते नहीं है। लेखपाल की कार्यशैली पूरी भ्रष्टाचार में लिप्त है। मैं एक बात विजय कुमार जी आपको कहना चाहता हूं, आप सच्चाई आप भी जानते हैं और स्वीकार हमको करने में कोई बात नहीं है, क्योंकि राजनीति करने की बात नहीं है, हमको सच्चाई में सुधार करने की जरूरत है। जिस तरीके की भ्रष्ट व्यवस्था आज है उसमें आज सुधार नहीं करेंगे और सिर्फ हम बात करेंगे तो किसान का भला नहीं होगा। आप ये बताइए कि अब 50% पर जब थी सीमाएं 33% किया, मैं आपको उदाहरण दे देता हूं, गाजियाबाद के जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जब 33% बात आई तो अकेले हर तहसील के अंदर, हर तहसील में स्वीकार किया गया भारी नुकसान हुआ। नुकसान 80% तक है, 90% तक है। ये कथनी और करनी का जो भेद है, ये व्यवस्थाएं जो है वो मुख्यमंत्री तय नहीं करते, ये व्यवस्थाएं जिला प्रशासन नहीं, तहसील प्रशासन नहीं, बल्कि बहुत छोटे पैमाने पर होती हैं और छोटे स्तर पर इतनी समस्याएं जो है उनको किसान झेल रहा है। आज सुधार से मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, ईमानदारी ये है कि जिन कलेक्टरों ने जिस जिस जिले के अंदर 100 रुपए और 70 रुपए और 150 रुपए के चेक बांटे हैं उनके खिलाफ आपकी सरकार FIR करे, क्योंकि उन्होंने अपराध किया है, किसानों के कटे पे नमक छिड़के, और उनको जेल भेजो तब व्यवस्था सुधरेगी, ये आवश्यकता है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 1500 रुपए से कम का चेक किसी किसान को नहीं दिया जाएगा और वह 100 रुपए के बांट रहे, तो कम से कम मुख्यमंत्री की इज्जत रखने के लिए ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी तत्काल। जी बिल्कुल, कार्रवाई बनती है और कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे अधिकारियों के प्रति। अरुण जी के पास मैं जाना चाहूंगी। अरुण जी, एक सीधा सवाल मेरा आपसे, जिस तरीके से कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने किसानों के हित के लिए तमाम काम किए हैं, तमाम योजनाएं जो है वो किसानों के हित के लिए बनाई गई हैं, लेकिन एक सीधा सवाल आपसे ये कि क्या जो किसान प्रेम समय समय पर जागता है राहुल गांधी का, क्या जिस तरीके से पदयात्राएं समय समय पर की जाती हैं, क्या इससे किसानों की समस्याएं हल हो जाएंगी? क्या राहुल गांधी जो किसानों के हितैषी बन रहे हैं, किसानों के आंसू पोंछने के लिए उनके घर तक जा रहे हैं, क्या वो कोई रास्ता नहीं निकाल सकते थे जब वो सरकार में, जब उनकी कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा शासन कर रही थी देश के ऊपर? दिलीप जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा, कम से कम आप जैसी वरिष्ठ पत्रकार राहुल जी के ऊपर या कांग्रेस के ऊपर इस तरीके का आरोप तो ना लगाए। मैं निवेदन कर रहा हूं, वैसे आपकी बात है, आपको कहना भी चाहिए। आपने देखा होगा कि जब कांग्रेस इस विगत 10 वर्षों में शासन में थी तो उसने, कांग्रेस ने किसानों की बात की, इस देश के नौजवानों की बात की। हम समझे इस देश में कि किसान कर्ज से लदा हुआ है और किसानों को जरूरत है इस देश में। सबसे पहले इस देश में इन 60 और 65 सालों में अगर कोई गरीब, तमाम लोग इस प्रदेश और देश में मुख्यमंत्री हुए, लेकिन अगर सबसे पहले मनमोहन सिंह की सरकार और कांग्रेस की सरकार ने इस देश में किसानों के दर्द को समझा और 70,000 करोड़ रुपए माफ किए हैं। अब मैं कहां कहां तक गिनाऊं इन बातों को? आप ये सोचिए कि जिन राहुल गांधी जी की आप चर्चा कह रही हैं वो नियमगिरी में जाते हैं और जब किसानों की जमीन अधिग्रहण होती है उन्होंने इस बात पर गौर किया कि जब बेचने के लिए मंडी तक पहुंचता है किसान, तभी उसका गेहूं खुले में पड़ा होता है, उसके लिए किसी तरह की व्यवस्था क्यों नहीं की जाती? निश्चित रूप से आप विगत 5 वर्ष की जो योजनाएं भारत सरकार की उठा करके देख लें, हमने प्रोत्साहित किया है, प्राइवेट सेक्टर को भी प्रोत्साहित किया है, छोटे मझौले लोगों को भी प्रोत्साहित किया है कि आइए FCI के माध्यम से गोडाउन बनाइए। आप लखनऊ ही नहीं, सुदूर गोंडा, बलरामपुर, मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर के अरुण प्रकाश जी आपसे बात करेंगे, मुकेश राजपूत जी हमारे साथ हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे जो आपने एक बात उठाई है। छोटे छोटे किसान बनाए और वो अपनी जमीने दे और हम उनके गोदाम को लाइन, तो निश्चित रूप से 5 साल में हमने इससे काम किया। हम उनसे बात करेंगे। अरुण प्रकाश जी 25 साल से अरुण प्रकाश जी आप जो बात कर रहे हैं, डॉक्टर कृष्णवीर चौधरी जी हमारे साथ हैं, वो जवाब, वो कुछ बात करना चाह रहे हैं आपसे। अरुण प्रकाश जी, आप हरित क्रांति का इतिहास तो कह रहे हैं, 10 सालों का इतिहास की बात तो देख लीजिए। मैं पूछता हूं
कि अगर किसानों के इतने हमदर्द थे तो क्यों इस देश में 5 लाख एकड़ जमीन को कौड़ियों के भाव पर ऐसी जाड़ के ना, 2005 में ऐसी जेड का कानून बनाया, आपको पता होगा उसमें लूट मची। दूसरा सवाल है मेरा आपसे कि राष्ट्रीय किसान आयोग की सिफारिश 2007 से रद्दी की टोकरी में किस सरकार ने फेंक रखी थी? अगर इतने हिमायती कांग्रेस बनती थी और किसानों का भला करती थी, दो सवाल मेरे आपसे अभी है। आदरणीय चौधरी साहब, हमारे मंत्रिमंडल में किसान पुत्र आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी के नेता पुत्र अजीत सिंह जी भी थे, और मैं हाथ से पूछना चाहता हूं, आप हमसे सवाल खड़ा कर रहे हैं कि 5 लाख सेज बनाने का काम क्या हमने किया था? 5 लाख एकड़ जमीन ली गई, सरकार का काम है सेज के नाम पे 5 लाख एकड़ जमीन एक्वायर की गई थी आपके शासनकाल में, यूपीए के शासनकाल में। 2005 में आपको याद होना चाहिए, यूपीए 1 की सरकार थी जब एससीजेड का कानून बनाया गया था, और उसमें आपको ये भी पता है कि पूरी दुनिया में मात्र 2000 एससीजेड है और भारत में 500 से ज्यादा के लिए जमीन ली गई, 845 को रजिस्टर किया गया। तो आप कम से कम उन चीजों को तो समझिए। आज भूमत ग्रहण सुबह का भूला साथ बिल्कुल आप सबको रोकना चाहेंगे, हम इस बीच आपको ले चलते हैं। रामविलास पासवान जी हमारे साथ हैं, उन्होंने भी इस एक मिनट किस्मीर चौधरी जी, पहले आप रामविलास पासवान जी को सुनते हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं इस पूरे कार्यक्रम में। जी, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी हैं। सर, किसान जिस तरह से आत्महत्या कर रहे हैं और उस पर जैसी राजनीति हो रही है, क्या कहेंगे आप? नहीं, वो नहीं होना चाहिए, राजनीति नहीं होना चाहिए। किसान के दुख के समय में हैं, हम लोगों को सबको साथ रहना चाहिए, और जो भी भारत सरकार के तरफ से हो रहा है हम लोगों ने किया है, और अभी हमने जो नॉर्म्स है उसमें रिलैक्सेशन दे दिया है, जो आंधी तूफान आए, ओला गिरे, फिर उसके बाद जो हमेशा से वैल्यू कट होता था कि जब आप नॉर्म्स को रिलैक्स करते थे तो उसका दाम जो है कम पर खरीदा जाता था, इस बार हम लोगों ने कोई कटौती नहीं किया है। और गन्ना किसान का मामला है, उसका इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा करके 40% कर दिया है, और जो इथेनॉल है उसके ऊपर में एक्साइज ड्यूटी था उसको माफ़ कर दिया है। नरेंद्र मोदी जी स्वयं प्रयत्नशील हैं और वो नहीं चाहते हैं कोई भी जो है क्या कहते हैं किसान जो है देश का जो है वो परेशानी में रहे। सर, आपको क्या लगता है राहुल गांधी फायदा उठा रहे हैं मौके का? जरूर उठा रहे हैं, फायदा भी उठा रहे हैं, लेकिन फायदा भी नहीं उठा रहे हैं ना लोग सब, ये सारी की सारी जो राजनीति हो रही है लोग समझ रहे हैं। तो साफ है राहुल गांधी मौके का फायदा उठा रहे हैं, लेकिन लोग इस राजनीति को समझ रहे हैं और लोग उनके झांसे में नहीं आएंगे, और सरकार हर संभव प्रयास कर रही है ताकि किसानों को उनके जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके। तो आखिरकार कैसे निकलेगा किसानों की समस्याओं का हल? क्या राजनीति की चक्की में पिस कर रह जाएंगे किसान? इस पर लगातार चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।